हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूट्यूब वीडियो पे आप अपना वाटरमार्क कैसे डालें या अपना ब्रांड कैसे बनाएं। क्योंकि एक्चुअली ठीक है, अगर आप यूट्यूब के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल आपने अगर बना लिया है, तो व्यूवर्स के माइंड में एक ब्रांड नेम जरूर होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली ब्रांड नेम होगा तो व्यूअर्स है, उसको देखने वाला जो यूज़र्स है वो बार बार आपके वीडियो को ईजी वे में पहचान लेगा कि ये फलाफला चैनल का वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक वाटरमार्क डाल रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आप अगर एक वाटरमार्क अगर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, क्योंकि कोई भी मान लीजिए कि कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं और ठीक है, आपने वीडियो बनाया, बनाने के बाद में आपने यूट्यूब पे भी डाल दिया, डालने के बाद में ठीक है आदमी ने देखा, किसी ने देखा, वो एक तरह से नॉर्मल देखने के बाद में दिमाग से इसको स्लिप हो गया कि मैंने किस चैनल का वीडियो देखा था। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स होते हैं, तो लोग जो व्यूअर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसमें एक है वाटरमार्क, यानी जब आपका वीडियो प्ले हो तो उसके साथ में वाटरमार्क भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक ब्रांड इमेज बनती है आपके चैनल्स की, लोगों को अट्रैक्ट करता है और थोड़ा सा पब्लिसिटी भी होता है। तो देखिए इस जो वीडियो है आपके सामने यूट्यूब पर, और हम इसको प्ले करते हैं, और प्ले करने के साथ में देखिए यहाँ पे एक ब्रांड डला हुआ है, माय स्मार्ट आइडिया एक ब्रांड डला हुआ है। और ये आप सेट कर सकते हैं कि एक्चुअली कि वो स्टार्टिंग से दिखना चाहिए या मिड से दिखना चाहिए, लास्ट में दिखना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो जो लोगो है या ब्रांड है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, कोल्डो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको कोल्डो में से बना के बताता हूँ किस तरह से ये सारा सब कुछ सेट होगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपके सामने कोल्डो ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है आपका माई स्मार्ट आइडिया। इस तरह से आप भी एक लोगो बना लीजिए जो आप वीडियो पे पुट करना चाहते हैं। बनाने के बाद में सेलेक्ट करें यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद में आप देखिए यहाँ से फाइल में जाइए, फाइल मेन्यू में, और फाइल मेन्यू में एक एक्सपोर्ट ऑप्शन देखिए, बिल्कुल ये एक्सपोर्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे या तो इसको एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस कर दीजिए, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस करने के बाद में इसको सेव कर दीजिए, जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करिए इसको। और ओके करने के बाद में जिसमें लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें सेव कर रखा है, तो मेरे को सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने सेव कर रखा है इसलिए सेव करने की। आप बस नाम यहाँ पे टाइप करिए, जो भी आप नाम से सेव करना चाहते हैं सेव करके ओके कर दीजिए, यानी सेव कर दीजिए। ओके, यानी करना है क्या कि अगर आपको फोटोशॉप आता है या कोल्डो आता है तो बस उसमें एक लोगो डिजाइन करिए, लोगो डिजाइन करने के बाद में आप फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट टू ऑफिस कर दीजिए, और ओके कर दीजिए। ओके, और जिस भी नाम से सेव करना है, जिस लोकेशन में सेव करना है उससे सेव कर दीजिए, और अगर फोटोशॉप में डिजाइन करना चाहे फोटोशॉप में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से लोगो डिजाइन करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए, यानी उसको सेव कर दीजिए। ओके, सेव करने के बाद में इस लोगो को आप कैसे लगाएंगे वो समझिए आप। देखिए यहाँ पे आपका यूट्यूब आपने ओपन किया, ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होने के बाद में देखिए यहाँ पे इस आइकन पे आएंगे, और यहाँ पे आप क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल राइट साइड देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एक चैनल लिखा हुआ, बिल्कुल यहाँ पे चैनल लिखा हुआ, बिल्कुल इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि वीडियोस पे हम चाहते हैं कि वाटरमार्क यानी अपना लोगो आए, जिससे अपना पॉपुलर हो, अपना चैनल्स अधिक से अधिक लोग देखें उसको और अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ पर देखिए चैनल है आपका, इस चैनल पर क्लिक करें, और चैनल पे क्लिक करते हैं इसके ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग है लिखा हुआ, यहाँ पे ब्रांडिंग, बिल्कुल यहाँ पे ब्रांडिंग लिखा हुआ है, आप ब्रांडिंग पे क्लिक करें, और जो ही ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल देखिए ऊपर लिखा ब्रांडिंग वाटरमार्क। और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले टाइम है कि कस्टम स्टार्ट चाहिए आपको, एंड ऑफ वीडियो चाहिए, या एंटायर वीडियो चाहिए, जैसा आप चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ वीडियो,
देखिए मैंने एंड ऑफ वीडियो किया, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटस बार है, स्क्रॉलिंग है बार, यहाँ पे देखिए यहीं तक बना हुआ है। अगर मैं इसको कस्टम स्टार्ट टाइम करता हूँ तो देखिए एक्चुअली इसका जो शोविंग जो स्क्रॉलिंग है वो बढ़ गया। नेक्स्ट अगर मैं एंटायर वीडियो करता हूँ तो यानी कि ये शुरू से एंड तक ये चलेगा। तो वो डिपेंड है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। तो देखिए ये तो ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे लगाएंगे, मैं इसको थोड़ी देर रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद में क्या होगा, ये जो मेरा वाटर मार्क है वो वहाँ से हट जाएगा, इस तरह का पेज आएगा आपके सामने बिल्कुल। यानी कि अगर आप नए यूट्यूबर्स हैं और अभी जस्ट आपने रिसेंटली नया चैनल बनाया है और आप चाहते हैं वहाँ पे एक वाटर मार्क ऐड करना, तो इस तरह से आपके पास में इस तरह से आएगा पेज। तो यहाँ पे ऐड वाटर मार्क पे क्लिक करें आप, बिल्कुल ऐड वाटर मार्क पे आपको क्लिक करना है। और देखिए आ गया ऑप्शंस कि ये कह रहा है कि आपको जो भी आपकी जो फाइल्स है उसको चूज़ करें, और यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल, और जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रखी हुई है जो आपने कोल्डो में जो भी फोटोशॉप में आपने बनाया है कम्प्लीटली, वो फाइल आप सेलेक्ट करें और ओपन करें यहाँ से। तो ओपन करने के साथ में सेव करें। अब देखिए एक्चुअली मैंने फ़ाइल को सेलेक्ट किया और देखिए वो सेव नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली कह रहा रिक्वायर्ड फाइल फॉर्मेट PNG और JPEG। तो वो जो मैंने फाइल सेव किया था वो एक्चुअली जो मैंने चूज़ किया था वो के दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो वापस वो आप जाके सेलेक्ट कर ली दूसरी फाइल। तो देखिए वो ऑटोमेटिक इसने सर्च कर लिया PNG फॉर्मेट का, सेलेक्ट किया और इसको सेव कर दिया इसने। मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव हो रहा है। तो देखिए सेव हो गया, यहाँ पर आ गया फाइल आपका देखिए एक्चुअली। अब वही आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हैं, कि एंड ऑफ वीडियो चाहते हैं या कस्टम स्टार्ट चाहते हैं या फिर एंटायर वीडियो चाहता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया एंटायर वीडियो और अपडेट क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गया सेव सक्सेसफुली, बिल्कुल यहाँ पे आ गया आपका सेव सक्सेसफुली। अब इसके बाद में कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करता है, कोई भी व्यूअर्स प्ले करता है, तो यहाँ पे आपने एंटायर वीडियो किया, जो वीडियो भी क्लिक करेगा वो शुरू से लेके एंड तक इसको शो करेगा। चलो हम इसका देखते हैं कैसे करेगा। तो देखिए मैं वापस से या तो ये देखिए वीडियो मैनेजर, ठीक है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और किसी वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। लोड हो रहे वीडियोज़ इसमें, तो देखिए सारे वीडियोज़ मेरे सामने डिस्प्ले हो जाए। अब मैं किसी भी वीडियो को अगर मैं प्ले करता हूँ, इसमें सीखे सारे वीडियोज़ है, तो देखिए मैं यही वीडियो प्ले कर रहा हूँ देखिए आपके सामने। और देखिए ये आपका प्ले हो रहा है, ये देखिए एंटायर वीडियो, यानी कि जो भी वीडियो लोड हुआ उसी के साथ में ये आपका एक जो ब्रांड इमेज है या वाटर मार्क जिसे आप कुछ भी कहिए एक्चुअली ये आपका डिस्प्ले होगा। इससे क्या है आपके ब्रांड की आपके चैनल की आइडेंटिफाई होती है। व्यूअर्स जब भी नेक्स्ट टाइम आता है जो आपके वाटर मार्क को देखता है वो इजीली आइडेंटिफाई कर, हाँ यार मैंने उसको पहले भी देखा था इस वीडियो को, और जो ये चैनल से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता है, तो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में एक जिसे कहते हैं छवि बन जाएगी या एक आइकन बन जाएगा, एक प्रीव्यू बन जाएगा कि हाँ इस चैनल का वीडियो अच्छा आता है मेरे को देखना चाहिए। तो आप इसको ट्राई करिए, अगर आपने ब्रांड नहीं बनाया वाटर मार्क नहीं डाला है तो आप इसके ऊपर ट्राई करिए और बहुत इजी है। ओके थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ओके थैंक यू, बाय बाय।